पानी किस तरह समतलीकरण की दो आप, मिट्टी वगैरह लाए मिट्टी सब जैसी भी हूँ। अच्छा। जैसी भी हूँ ट्रैक्टर लगे लगे मिट्टी बाहर ले लेना। सबको ऐसा करना चाहिए, अपना खुद का पैसा लगा के सब जमीन का श्रृंगार करना चाहिए। दुकान पे लोग गए पहाड़ा पे कहीं नहीं हुई सके, मेहनत करना चाहे नहीं मेहनत कर सब कुछ। थोड़ा मेहनत लगा, थोड़ा कठिनाई हुई, पानी के लिए भी हुआ, सबके लिए हुआ। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। कहते हैं पहाड़ों में कुछ नहीं होता, लेकिन एक किसान ने वह ऐसा कर कुछ दिखाया है जो कि सभी किसानों के लिए प्रेरणास्पद कार्य हैं। जी हाँ, इन पहाड़ों को न सिर्फ एक किसान ने काटा, बल्कि इन पहाड़ों में अब सोना उपज रहा है। जी हाँ, न सिर्फ पेड़ पौधे खेती के छोटी मोटी उपज हासिल कर रहे हैं, बल्कि कई कमाई के जो मुख्य रूप से कहते हैं कि नकदी फसल, जो किसान कृषि विभाग और सरकार भी नकदी फसल की बुवाई के लिए जो प्रेरित करते हैं, आम जन को प्रेरित कर रहे हैं। और ऐसा ही एक प्रेरणास्पद कार्य राजसमंद जिले के कुंभलगढ़ उपखंड क्षेत्र के सेवंत्री ग्राम पंचायत मुख्यालय पर कर रहे हैं। आइए जानते हैं, पूरा उनसे रूबरू होते हैं किस तरह से इस उन्होंने पहाड़ को काट कर इस कृषि को तैयार किया है, किस तरह से पेड़ पौधे उन्होंने उगाए हैं और किस तरह से वो इस आमदनी इससे प्राप्त कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर ये जो किसान की जो एक प्रेरणास्पद पहल है, आम लोगों के लिए भी काफ़ी प्रेरक साबित हो सकती हैं कि जिस तरह से इन्होंने एक पहाड़ है जहां पर पथरीली ज़मीन है, उस पथरीली ज़मीन को किस तरह से उपजाऊ बनाया, किस तरह से इस पहाड़ को उन्होंने सहेजा, किस तरह से इन्होंने तैयार किया, इस पूरी जर्नी के बारे में जानेंगे। शुभ नाम भाई शंकर लाल बाबा लाल त्रिवेदी कटे रहे हो आप मैन लक्ष्मण जिला पे सेवंत्री गांव। जैसे आप कतरी बढ़िया लगाओ दसवीं बढ़िया। तो ये जो आप पूरा बाग बगीचा तैयार की दो है, इनमें अलग अलग पेड़ पौधा सब्जी वगैरह, तो यह कतरा टाइम आप शुरुआत की दी और कटू सीखा ये सीखा कटू नहीं खुद ही प्लान बनायो मैं खुद ही की दो। अच्छा। 8-10 साल हो गया पहले कहीं करता आप मुंबई दुकान है कन्नी दूधरी डेरी। अच्छा, वरना बाद में आप गाँव आई गया गाँव है अटे कणी कणी टाइप रहा आप मेन पेड़ पौधा रोपिया हर क्वालिटी में है, जैसे आम है, चीकू है, पेरू है, अंजीर है, नींबू है, तो ये आंवला है। ये पहले शौकिया ना तोरू आप उगाए या किस तरह शौक के तरफ। अच्छा, आज भी शौकी से। तो ये पूरा पहाड़ है अटे तो पत्थर रहा तो पचे अन्न यह भी मेहनत लगी आप मेहनत तो लगी से फूल। अच्छा, पानी किस तरह समतलीकरण की दो आप, मिट्टी वगैरह लाए सब जैसी भी हूँ जैसी भी ट्रैक्टर लगे लगे मिट्टी बाहर ले लेना के। अच्छा, पूरा पहाड़ी से तो अनमें ये सीढ़ी नुमा बनाता गया स्टेप बाय स्टेप। तो बनी भी पूरे साथ पत्थर पे झाड़ लगा है टोटली। अच्छा। आप देख रहे हो खुद। हाँ टोटली झाड़। तो ये 10 साल पूरा ये बगीचा तैयार भी हो। अच्छा, ये जैसे कुछ आप जो यूनिक में बीज वगैरह या जो भी लाया थे सब कटारा है सब गुजरात रहा बानो सब गुजरात टोटली गुजरात क्यों चुने आप वटो तो देखिया वटे जाड नर्सियां देखे ना आयो मु तो वटे आपने बढ़िया लगी बढ़िया लगा जब ना तो ले आयो। अच्छा, सब गुजरात रही से सब गुजरात रही से आम वो या केला वो या जो भी चीज आप टोटली बाहर ले। अब सब्जी वगैरह भी आप उगी रहा। हां सब्जियां यानी चालू गई सब्जियां। अच्छा, बेकतरी जगह पे वो थोड़ी सी जगह माते हैं। अच्छा, तो मतलब हर तरह आप पेड़ पौधा आप रेणी जो चट्टान पे लोग गए पहाड़ा पे कहीं नहीं हुई सके। अगर आप मेहनत करना चाहे नहीं मेहनत करते सब कुछ हुए बाकी जैसे ये समतल जमीन भी ये पड़ी है लेकिन आप तो पहाड़ा में भी ये गन्ना 50 कड़ा आटा दे रहा। अच्छा, तो रेगुलर हर चीज आपने फल भी मिल रहा है ये मिल रहा है सब कुछ बारह मासी। तो ये तो छोटो क्यों बस छोटो ही से ये 40 रुपये। अच्छा, आप तो बड़ो अबे तो बस वो धीरे धीरे बड़ो भी मतलब तो ज्यादा वधे नहीं है। अच्छा, अब ए आई नन्ना केड़े पासी के रिया आई रेगुलर आती रही मतलब हां मतलब 12 महीना रह के रिया। तो ये एक बार जैसे कतरा महीना में पक जाई ये वापस दो तीन महीना में पक जाई नन्ना केड़े पासी आई जाए दूसरी रेगुलर आती रही बंद नहीं वे के और यो कटु लाया यो बीज वो सब गुजरात से। अच्छा, ये मिर्ची है ये देख लो। अच्छा लो है वास्तव में ये देखिए ये गुजरात का सीताफल है और ये भी अभी पक गया है पदार्थ ये केल के पत्ते हैं सीताफल सभी मिक्स आपने वही कर रखे हैं। 15 दिन तक फूल खराब नहीं हुए
अच्छा स्पेशल वेराइटी ये पत्ती। अच्छा या जो घास टाइप है जो हाँ घास टाइप स्पेशल है और स्पेशल बड़ा पत्ता है ना तो ये देख लो आम आम यो देसी एक बार लो यो भी बार ला है देसी से तो ये पे देख लो आम ए अच्छा देख रहे आम का तो जो मोटो है देख लो सब के जा में सब के जा लाग रही है ये देखो यही बारह मासी वही बारह मासी अच्छा डोरी आती रही चलती रही ना टूटेगी है वो वो पत्री रो जाड़ है। अच्छा पत्री पत्थर गड़ी अच्छा अच्छा कने पत्री भी जाते पत्री भी जाते पत्ता खाना स्टोन वगैरह हाँ हाँ नमस्ते आपू से आपू से कतरा टाइम पहले ये बोवाई की थी तीन चार साल हो गया चार साल पहले तो ये साइज ही उतरी की है ना आम नहीं आवा लाग गया ये जो भी चीज आम रान ये सब गुजरात के सर लाया सब गुजरात सब गुजरात कटो प्रेरणा कटो मिली आपने प्रेरणा मैं खुद ही पहले आप कड़ी वो सीखा गई ये चीज बताइए कड़ी नहीं सीखा कड़ी बिल्कुल लिखाई नहीं। अच्छा ये जो आम सब आमरा पौधे से सब आमरा आमरा पेरूरा चिकुरा ये सब आने में भी आम आवा लाग गया है कि सब रह रहा हर साल सब रह रहा तो कतरा अब तक आम रियाना उपज भी रही हाल तो वैसी नहीं है नहीं नहीं फिर भी अंदाज उपज कतरी भी रही है ऊपर आने साल का केसर आम वक्या है अच्छा तो 150 रुपए किलो रहा हिसाब घर से लेन गया लोग हमारा इस खाना वो वड़दे से वो भी रह क्यों एक अच्छा तो आप लगभग कतरा तरह आपको पेड़ पौधा आप रो हर क्वालिटी है आम है चीकू है पेरू है अंजीर है बादाम है अच्छा अटने या आपूस है केसर लंगड़ा गन्ना दाड़म अच्छा सब्जियां वगैरह जाम सब्जियां में दूधी है ग्वार है अच्छा तोरई है मतलब सब तरह की आप अटे तो ये तो एक पूरा पथरीलो पथरीलो पूरा पत्थरी है सब माटी बाहर से डाल डाल के अच्छा तो ऊपर जैसे भाटा है यानी टाइप ही करो अभी भाटा भी धूलो ना करना झाड़ भी जाए अच्छा ऊपर मिट्टी डाली पचे वापस उगे तो उपयोग भी जाए ये सागवानी से टोटली कैसे वाला ये पूरा सागवान है झाड़ है 200 पपा झाड़ तो अच्छा वो पपीता भी है देखिए पपीता भी है कतरा भी पपीता पपीता तो दो झाड़ी है आज का इसने दी तो सब देसी तरीकों से सब देसी तरीकों से पेरूरा कतरा पौधा है 500 झाड़ है जब छोटा था जब फुहारा लगाया अच्छा अब डायरेक्ट पानी तो फुहारा में फर्क पड़ता हूं फुहारा में पहले जो छोटा छोटा था तो फुहारा से रखा हां बणियो पानी पानी नहीं तो भी मैं जीवाड़ी दीदा थोड़ा थोड़ा टैंकर रो पानी नाके नाके नहीं अच्छा टैंकर लाया हां अच्छा कतरा साल तक टैंकर रो पानी पिला मैं एक साल टैंकर रो पायो पानी क्यों पानी बोरिंग में नहीं होयो अरे मारे बोरिंग हो जो बोरिंग पिताजी ले लीदो जो वा अच्छा अच्छा खुद अभी पाछो और आप नयो नयो खुद आयो वण में पानी कम हो अच्छा सो बस बाहर नो सप्लाई दीदी बस अच्छा मारो धुलिया देवी अच्छा ये जो आप सेवन त्रिपुरा मंगरा में पहाड़ा में जट पत्थर है बट ये सब पेड़ पौधा जो लगाया है उगाया है तो ये कतरी मेहनत लगी कतर टाइम में ये सब खूब मेहनत लगी और खूब पैसा लगा और मेहनत तो अभी भी चालू ही है तो या कटो से सीखी आप पूरी जवानी टाइप रही है खेती जैसे बिना पहाड़ा में मंगरा में पत्थरा में उगा एक मतलब शौक की अपना मंगरा पहाड़ ऐसा मतलब खंडर नहीं रहना चाहिए उसको कमाई वाली जमीन करना चाहिए सबको ऐसा करना चाहिए अपना खुद का पैसा लगा के सब जमीन का सिंगार करना चाहिए तो अच्छा लगता है नहीं सरकार भी ये चाह रही है जैसे हर आदमी हर किसान नकदी फसल उगावे जन में जैसे फल फ्रूट है पेड़ पौधा है सब्जियां हैं तो वो मतलब आप बिना सरकार सहयोगों आप खुद ही सब कर लेते हाँ तो अब थोड़ा मेहनत लगा थोड़ा कठिनाई हुई पानी के लिए भी हुआ सबके लिए हुआ लाइट बिल के लिए भी हुआ बहुत सारा हुआ मगर अभी निकलेगा धीरे धीरे नहीं निकलेगा हम नहीं खाएंगे आगे वाली पीढ़ी खाएगी आने जाने वाले खाएंगे तो सब अच्छा लगता है ये
तो जैसे शंकर जी के साथ में आप दिन रात अनमे सुबह शाम तक अनमिस भी हाँ अनारा हाथे मुँह मतलब अनारी मेहनत में मेरा पूरा सहयोग है कि जो ये काम करते हैं वो अच्छा करते हैं तो हमको भी थोड़ा मज़ा आता है। हमारे बच्चे लोग भी सहयोग करते हैं इनको पैसे में इनमें सब मतलब पूरे प्रकृति रो श्रृंगार कर श्रृंगार के रो ने सबको यही सीखे कि सब जन करे तो अच्छा रहेगा, ये धरती खंडर नहीं पड़ी रहेगी। जैसे अगर इंसान अगर चाहे तो वो नहीं के पत्थर भी सोना उगले। हाँ तो ऐसे तो बोलते हैं ना कि जैसे जंगल में भी इंसान रहे तो स्वर्ग बना सकते थे, वो हमने किया है। शंकर जी अटेपुरी या नर्सरी डेवलप की दी है जो एक देसी तरीकों ने पूरा पहाड़ में पत्थर जो है बटे राज पेड़ पौधा ये वास्तव में दूसरे किसान प्रेरणास्पद। बिल्कुल इन्होंने अच्छी मेहनत की है, मतलब बिल्कुल पहाड़ी क्षेत्र था जिसको काट काट करके इन्होंने जमीन में मिट्टी भर करके इस तरह से ये बागवानी जो इन्होंने की है बहुत अच्छी सराहनीय है और पूरी तरह से ऑर्गेनिक खेती है इनके यहाँ। कुछ भी तरह का केमिकलाइज वगैरह उर्वरक नहीं दिया जाता है। मैंने बार बार आता हूँ देखता हूँ, ये अच्छी सब्जी पैदा करते हैं, अच्छे आलड़ी तोरमी ग्वारफली इसके बाद में ये देसी मिर्ची वगैरह ये अच्छी पैदावार कर रहे हैं और एक शौकियाना कर रहे हैं ये सभी जैसे फल फ्रूट वगैरह भी सभी तरह के फल फ्रूट है यहाँ पे, मतलब जामुन भी है यहाँ तो मतलब आम के अच्छी अच्छी वेराइटी है, जामफल है इसके बाद में ये बादाम है और बहुत सी तरह के पौधे रोपे हैं इन्होंने। इनसे एक तरह से ये देखे दूसरे किसान भी बिल्कुल बिल्कुल प्रेरणा ले रहे हैं और इस तरह से हमारे गाँव में भी सेवा मंदिर के थ्रू बहुत से गाँव में बागवानी लगाई गई है और बहुत से किसान ऑब्लेज हुए हैं और अपना अपनी आजीविका कमाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं।